नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक समाधान मोह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम धरती के अनमोल खजाने से कैसी औषधि की जानकारी लाए हैं जो कि हमारे जीवन को रोग मुक्त और खुशहाल बनाती है। हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी ही औषधि की जानकारी लाए हैं जो कि हमारे पेशाब के रास्ते से प्रोटीन और कैल्शियम जाने की समस्या होती है उसको जड़ से समाप्त करती है। इस औषधि से आपकी पेशाब के माध्यम से प्रोटीन और कैल्शियम जाने की समस्या जो होती है जड़ से समाप्त हो जाती है और भी मूत्रपिंड के जितने भी रोग होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं इस औषधि के द्वारा। तो आइए दोस्तों, इस औषधि के बारे में जानते हैं कि ये कौन सी औषधि है जिससे कि हमारी सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये जानी पहचानी औषधि है। इसका नाम दोस्तों छोटा गोखरू। छोटा गोखरू को आप जानते होंगे दोस्तों, ये चने के समान होता है। इस पर पीला फूल लगता है और इसके फल गोल गोल होते हैं, कांटेदार होते हैं और सेम चने की जैसा होता है और पौधा इसका चने के जैसा ही होता है, पत्तियां भी वैसे ही होती हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को घर लाना है, इसे कूट पीस करके आप पाउडर तैयार कर लें, एक चूर्ण तैयार कर लें और 10 ग्राम चूर्ण दोस्तों 2 गिलास पानी में डाल करके उसको धीमी आंच पे उबालें। जब पानी लगभग 100 ग्राम के लगभग रह जाए तो उसे उतार लें और दोस्तों खाली पेट इसका सेवन करें सुबह शाम। सुबह शाम इसका सेवन करते हैं आप तो 3 माह में आपकी मूत्रपिंड की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी और पेशाब के रास्ते से आपका प्रोटीन और कैल्शियम जाने की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही आज की जानकारी। जानकारी कैसी रही? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।